अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सालिक कैटल वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई, कुछ मसरूफियात थी। इस दफा हम फिर मूसा कॉलोनी की फिश मार्केट में आए, आपके साथ रेट भी अपडेट करेंगे और आपको मछली की पहचान भी बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मछली के रेट अपडेट करेंगे। कुछ वजूहत थी मछली के रेट इंतहाई ऊपर चले गए थे, वो मैं वजूहत भी आपको बताऊंगा और आज रेट भी अपडेट करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी व्यूअर्स, मेरे हाथ में जो मछली है इसका नाम है उजड़ी दोतर। आइए पूछते हैं इसके रेट क्या है। क्या रेट है इसके भाई? 700 रुपये। 700 रुपये उजड़ी दोतर। ये दोतर की नस्ल है उलड़ी, जिस पर ये स्पॉट्स होते हैं। दोतर जो है वो अगर दिखे तो हम आपको दिखाते हैं। दोतर उलड़ी 700 रुपये किलो। जी व्यूअर्स, ये सोल मछली है मीठे पानी की, इसके रेट क्या है भाई? सोल के 550। 550 रुपये सोल, मीठे पानी का मछली है ये सोल। आगे चले तो ये गिस्सर पड़ा है। गिस्सर, गिस्सर की क्या रेट है भाई? गिस्सर का 800 रुपये। गिस्सर 800 रुपये किलो। गिस्सर 800 रुपये किलो। आगे ये मुल्ला फिश है, एम्परर जिसे कहें, एम्परर या मुल्ला, मुल्ला के रेट हैं 700 रुपये किलो। आगे ये सारम है, सारम की पहचान आपको बताई हुई है। ये स्पॉट्स हैं सारम के अंदर, कई जगह पे आपको ये सुरमई के बेचा जाए, बेचा जाएगा। दूसरा एक दो तीन ये स्पॉट्स हैं, ये सारम की पहचान है। भाई सारम के रेट क्या है? 450। सारम 450 रुपये। इसके आगे ये खग्गा, खग्गा रखा है कैटफिश। अरे कैटफिश के क्या रेट है? कैटफिश 350 रुपये। आगे चलें तो ये कुन है, ब्लैक कुन। ब्लैक कुन के दाने अच्छे हैं काफ़ी। और ये कुन कैसे दे रहे हैं? ब्लैक कुन 450 रुपये किलो। उसके आगे ये मीठे पानी की दहिया रखी हुई है। दहिया, दहिया है, इसका रंग भी देख लें, शेप भी देख लें। बहुत सी जगह पे आपको ये समंदरी दंदिया के बेचा जाएगा। ये मीठे पानी की दहिया है, तलापिया जिसे कहें। ये क्या रेट है तलापिया के? 400। तलापिया 400 रुपये किलो में चार दाने आएंगे, चार दाने। उसके बाद ये छोटा गोली मुश्का है। गोली मुश्का की पहचान देखें, थोड़ा सा गोल होगा और ये फिन गोल्डन होंगे और इसके मुंह में दांत जो है वो कंघी होगी, दांत की, ये दांतों की कंघी है गोली मुश्का। ये गोली मुश्का कैसे दे रहे हैं? गोली मुश्का 400 रुपये। फिर ये कुकड़ हैं, फ्लैट हेड जिसे कहें, ठीक है। कुकड़ मछली है, बिल्कुल फ्रेश दाना है। कुकड़ के क्या रेट है? 450। कुकड़ 450 रुपये लगा देते हैं। ये ब्लैक पापलेट, साइज़ छोटा है इसका, बड़ा भी दिखाते हैं आपको। ये साइज़ क्या है, रेट क्या है ब्लैक पापलेट के? ब्लैक पापलेट 800 रुपये किलो। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये चकोरी फिश है। बहुत सी जगह पे इसको हीरे के बच्चे कह के बेचा जाता है। हीरे के टेस्ट में रेट में बहुत फ़र्क है। ये चकोरी कैसे दे रहे हैं? चकोरी 350 रुपये। इस साइज़ का अगर हीरा भी हुआ तो वो 500 से कम नहीं होगा। ये चकोरी 350 रुपये, 300 तक भी दे देते हैं व्यूअर्स। ये फ्रेश वाटर की फिश है, कतला। कतला यहाँ पर जो हमारे लोकल मार्केट में इसे कहते हैं ठेला, कतला और इसे कहते हैं डमरा, ये तीन चार नाम है इसके। इसके रेट है 500 रुपये। ये आप देखें, इसका जो ये नीचे का होंठ है ये बड़ा है, ऊपर का होंठ छोटा है। ये इसकी पहचान है कतला, 500 रुपये किलो। व्यूअर्स, ये डाई फिश है, डाई, डाई समुंदरी मछली है और बहुत पहचान है। डाई कैसे दे रहे हैं? डाई फिश 850 रुपये। ये हीरा फिश है, हीरा रेड स्नैपर जिसे कहें, लेकिन ये रेड स्नैपर नहीं है, ये गोल्डन स्नैपर है, स्नैपर फैमिली का है हीरा। हीरा की क्या रेट है? हीरा 900 रुपये। व्यूअर्स, ये पापलेट का बड़ा पीस है, छोटा पापलेट 800 रुपये था और ये 950 रुपये किलो है। ये तकरीबन
डेढ़ किलो दो किलो का दाना है, ब्लैक पम्पलेट 850, छोटा और बड़ा 900 रुपये किलो। जी वीबर्स, ये किंग फिश है, किंग मैकरल सुरमई जिसे कहें, इसकी पाकिस्तान में बहुत ही मशहूर और सबसे महंगी मछली है किंग फिश। किंग फिश क्या रेट है? 1200 रुपये किलो किंग फिश। वीबर्स, ये रामस फिश है, इंडियन सैलमन जिसे कहें, इंतहाई लजीज मछली है खाने में। भाई रामस की क्या रेट है? रामस 850 रुपये। इसका जो शक्ल है वो शार्क से मिलती है, आप ये पहचान में सबसे आसान तरीका ये, इसकी शक्ल शार्क से मिलती है। इंडियन सैलमन रामस 850 रुपये किलो। ये जो फिश दिख रही है येलो फिन वाली, ये दंडिया है। भाई दंडिया के रेट क्या है? दंडिया 600 रुपये। इसके साथ ये मुश्का पड़ा है तीन दांत वाला, जो पहले दिखाया था मुश्का वो था गोली मुश्का। इसकी पहचान है ये तीन दांत होते हैं इसके अंदर। ये तीन दांत वाला मुश्का है। मुश्के का क्या रेट है? छोटा मुश्का 550 और बड़ा वाला, बड़ा मुश्का 700 रुपये। इसके आगे चलें तो ये डांगरी रखी है, डांगरी फिश है, बारामुंडी, बारामुंडी जिसे कहें, डांगरी कहें, इंग्लिश में बारामुंडी होता है। ये बारामुंडी कैसे दे रहे हैं? डांगरी, डांगरी 850 रुपये किलो। ये हीरा फिश है, गोल्डन स्नैपर जिसे कहें, क्या रेट है हीरा के? 600 रुपये किलो। ये किलो में दो से तीन दाने आएंगे। हीरा की पहचान भी बताओ यार। हीरा की पहचान, ये गोल्डन स्नैपर है, इसके यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट होता है, जैसे जैसे मछली बड़ी होगी ये स्पॉट छोटा होता रहेगा। जैसे इसको दिखाना चाहिए, ये थोड़ी सी मछली छोटी है, इसका स्पॉट गहरा है। जिस जिस ना ये मछली बड़ी होगी अपना ये स्पॉट कम करती रहेगी। व्यूअर्स, जो मछली अभी मैंने आपको उठा के दिखाई है, ये माही माही है, डोराडो या हमारे अम्बरोज जिसे कहते हैं। या आप क्या रेट है अम्बरोज के? 500 रुपये। अम्बरोज 500 रुपये किलो, माही माही या डोराडो जिसे कहें। व्यूअर्स, ये छोटे डामे हैं, इंतहाई लजीज मछली है, वाइट मीट है इनका। भाई डामे का रेट क्या है? 400 रुपये किलो। व्यूअर्स, ये कैट फिश है लेकिन मीठे पानी की है, इसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं सिंगाड़ा। पहचान ये है कि खगे का मुंह थोड़ा चौड़ा होता है, ये बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है। इसके ये दो तीन जो ये धागे निकल रहे हैं ये भी पहचान है। भाई सिंगाड़े का रेट क्या है? 400 रुपये। सिंगाड़ा मीठे पानी का 400 रुपये। रोहू के रेट क्या है? 2.5 किलो वाले, 2.5 किलो। 2 किलो का दाना है 350 रुपये। और ये कतला, कतला है ये 350, कतला 300। उसके आगे चले तो वो सिल्वर रखा है जो भाई बना रहे हैं। सिल्वर कैसे दे रहे हैं? सिल्वर फिश 250 रुपये किलो। इसके आगे ये सोल है, ये मोराकी है, कोने वाले जो है वो मोराकी रखी हुई है, जो गोल्डन कलर दिख रहा है आपको मोराकी, वो भी 250 रुपये किलो मिल जाती है। बताने का मकसद ये है कि फ़िश जो है समंदरी फ़िश वो इतहाई महंगी हो गई है, तो लिहाजा अगर मछली खाने का शौक़ है और अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्रेश वाटर की फ़िश भी सस्ती है, लेकिन उसमें एक नुकसान है कि वो फ़िश कांटे से भरपूर होती है। और जब बच्चों को आपने मछली देनी है तो उसको बड़े एहतियात से देनी है, क्योंकि इस फ्रेश वाटर फ़िश में कांटे बहुत होते हैं। व्यूअर्स, ये झींगा है मीठे पानी का, आपको लास्ट वीडियो में बताई पहचान, जिसके ये टांगे और ये मूछें बड़ी बड़ी हैं, ये मीठे पानी का झींगा होता है। भाई झींगा कैसे दे रहे हो? ये झींगा 1200 रुपये। इसका साइज़ छोटा रखा है आगे, वो साइज़ जो है छोटा है, उसके रेट 700 रुपये। व्यूअर्स, ये वाइट झेरा है, 4 इंची का साइज़ है और बहुत फ्रेश कट्टी का झींगा है। भाई झींगे के रेट क्या है? ये झींगा पड़ेगा 900 रुपये किलो। ये झींगा 900 रुपये किलो, इसका बड़ा साइज़। ये भी झेरा है? ये नहीं, ये कर्ली टाइगर, टाइगर कर्ली है, टाइगर है इसके दूसरी नस्ल टाइगर की। इसके क्या रेट है? ये पड़ेंगे आपको 1200 रुपये। ये 1200 रुपये तकरीबन, ये भी 5 इंची का साइज़ है। व्यूअर्स, ये लेडी फिश है या बम्बोर जिसे कहें, क्या रेट है लेडी फिश के?
ये बड़ा लेडी फिश 500 रुपये और इसी के साथ वो रखा हुआ है छोटा लेडी फिश वो 400 रुपये किलो। वीवर्स, फिश के रेट बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि डिमांड, जैसे ही डिमांड फिश की बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई एंड डिमांड में जब भी फ़र्क आता है, डिमांड बढ़ती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि समंदर का मौसम भी कुछ ऐसा था, कुछ हवा के मामला थे, कुछ शिकार पर नहीं जा रहे थे। और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि जी लोग कहते हैं कि जी पंजाब में फ़िश की डिमांड बढ़ जाती है, वहाँ सर्दी बढ़ती है, तो कराची का रेट कम मिलने की वजह से जो लोग हैं पंजाब में फ़िश एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये दो तीन वजूहत थी मछली के रेट बढ़ने की। अब जैसे मौसम में तब्दीली आ रही है तो मछली का रेट दोबारा नीचे आना शुरू हुआ है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपको इसी तरह की मालूमाती और आपके मतलब की वीडियोस बनाकर आप तक भेजते रहेंगे। अगली वीडियो तक आपसे अलविदा चाहते हैं। शारिक कैटल वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई बात आप और इस वीडियो में जानना या मालूम करना चाहते हैं तो उसका कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। रहा सवाल हमारा जो बेसिक काम है कैटल वीडियोस के हवाले से, तो वो भी नई मंडियां भी विज़िट करवाएंगे और नए फॉर्म्स भी डिस्कवर करवा के आपको उनका विज़िट भी करवाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।